आज हमारे गुगरापुर स्वास्थ्य समुदाय, जैसे अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सफाई और अंदर जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जैसे लगभग एक साल से डॉक्टर हम कोरोना वॉरियर्स की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनकी भी हम दशा दिखाएंगे और जो मरीज हैं वहाँ दिखाएंगे। वहाँ सबसे बड़ी बात साफ सफाई की रखेंगे, क्योंकि डेंगू जो है चरम सीमा पे इस टाइम। तो हम ऐसे ही आए हुए थे किसी मैटर में, तो हमने सोचा आपको गुगरापुर स्वास्थ्य समुदाय की जो यहाँ के जमीनी स्तर की जो समस्या है वो हम आपको दिखाएं, अस्पताल के अंदर की, और यहाँ के जो सफाई कर्मचारियों इसको ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कमी कितनी है, और जैसा थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी सफाई हुई है या नहीं हुई है। तो सब भरे पड़े हैं, सुबह का वक्त है, सब भरे पड़े हैं। तो सहयोग दिया, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनकी कुछ हमें ढील नजर आती है, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। शुरू से आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ कूड़ा और काफी तरीके के प्रसाधन में जो कमियां हैं, सफाई नहीं है। ज्यादातर गुटका, यहाँ पे गुटका का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे प्रशासन जो यहाँ का स्वास्थ्य प्रशासन है, सफाई प्रशासन है, यहाँ पे कतई लाचार नजर आ रहा है। और देखने वाली बात ये होगी कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। जल्दी हम आपको और थोड़ा और आगे बात देख भी नहीं सकते आप देख भी नहीं सकते हैं। क्या ये गुगरापुर का स्वास्थ्य सामुदायिक जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, अस्पताल है, उसकी ये दुर्दशा आपको दिख रही है। किस तरीके से यहाँ पे सफाई कतई नहीं है, यहाँ पे गुटके के अलावा कुछ आपको मिलेगा ही नहीं, हर कोने में गुटका है। हॉस्पिटल तो साफ सुथरा बना रहने दीजिए आप। और अंदर देखते हैं, देखिए ये दूसरा चैम्बर है, ये दूसरे चैम्बर की हालत है। हर चैम्बर में आपको गुटका और साधन, यहाँ की सफाई नहीं है। अब यहाँ के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि भैया तनख्वाह किस बात की ले रहे हो, सफाई तो कर दो कम से कम। देख पा रहे हैं लिखा हुआ। अब हम आपको पीने वाले पानी की जगह दिखाते हैं, जो आपके सीधे स्क्रीन पर ही है, पीने का पानी है ये, आप देखिए। और यहाँ पे टोटी की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप पीने का पानी की जगह देख सकते हैं। अपने कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा दिखाएं अमन भाई किस तरीके से यहाँ पे पीने का पानी है। आइए अमन सर, और कुछ चलते हैं। यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे थोड़ी देर में। हवा लेने के लिए नहीं है, ये हवा लेने के लिए नहीं है। यहाँ पे देखो जो गुटके का थूक है वो थूकने के लिए जगह बनाई गई है, लगता है नागरिकों के द्वारा। भैया आप लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाए गए हैं, थोड़ा सफाई रखें। आप लोगों में हाथ जोड़ से गुजारिश है कि खाएं यार, नहीं मना कर पा रहे हैं लोग भी, तो ये ना करें यार, हॉस्पिटल में आके ये ना करें। देखिए आप ये देखिए व्यवस्थाएं देखिए आप व्यवस्थाएं देखिए। ये गुगरापुर जो यहाँ का स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, वहाँ की ये हालत आप देख रहे हैं। यहाँ पे गुगरापुर में ये देखिए गंदगी के कितने अंबार लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ क्या सफाई नहीं होती है क्या? और किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है स्वच्छता मिशन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वो भी हॉस्पिटल में। और इसमें
जिंदा इंजेक्शन जिंदा। हाँ जी देखिए ये देख पा रहे हैं, थोड़ा ऊपर कीजिए, ये जिंदा इंजेक्शन निकले हैं जलाने के बाद भी। अब कोई भी जानवर अगर इसे इसके पास आ जाए या खा ले, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो आप जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जलाने के बाद भी यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया गया, कितनी लापरवाही यहाँ को यहाँ पे आपको देखने को मिली। अब देखने वाली बात ये होगी यहाँ के अस्पताल प्रशासन जो है इस पर क्या कार्रवाई करता है। उसके बाद जो यहाँ का सबसे बड़ी हमें कमी नज़र आई वो सफाई कर्मचारियों की कमी नज़र आई। या तो यहाँ पे सफाई कर्मचारी बहुत कम हैं या कतई है ही नहीं। जैसा अपनी स्क्रीन में आप देख रहे थे, शुरू से लेकर मैंने आपको आखिरी तक दिखाया कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अगर चैनल पर नए हैं, यूट्यूब पे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को दबा दें। अगर फेसबुक पेज पे हैं तो आप इसे फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।